हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पेन इंडिया एजुकेटर। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजगणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। और अगर आप क्लास 9th में या क्लास 8 में हैं या क्लास हाई स्कूल की में हैं, आप बोर्ड के एग्जाम दें, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि यहाँ से जब तक आप बीजगणित के आपके सारे फॉर्मूले आपको पता नहीं होंगे, तब तक आप बीजगणित के कोई सा भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो में हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं आपके सामने फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा है, आपने तो ये पढ़ा होगा, सबसे पहले हम करते हैं ए का स्क्वायर। ये होता है स्क्वायर ए प्लस बी का, आपको होल स्क्वायर बताना है। कैसे करोगे? तो ए का वर्ग कर दोगे प्लस बी का वर्ग कर दिया प्लस 2ab, इसका ऊपर स्क्वायर वाले गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2ab। तो ये आपके सामने हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नंबर कौन सा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको बताना है। क्या करेंगे, सबसे पहले a का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका करेंगे माइनस का दो बार गुणा करने तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात करते हैं 2ab, तो ये माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दो। ठीक है, तो 2ab, तो हमारा क्या एक फॉर्मूला रेडी हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब बात करते हैं तीसरे नंबर फॉर्मूला कौन सा है, एक होता है अपना ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रहता है और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है बीजगणित में। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इसे एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, इस तरीका से ये लिख सकते हैं। दूसरा इसी का क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला होता है फोर्थ नंबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये दूसरा होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने दोनों लिख दिए। और चौथे की बात कर लेते हैं, पांचवा की बात कर लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा रहने वाला ये ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो इसे लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या लिखेंगे प्लस 3ab, 3 का इसमें अंदर गुणा हो जाएगा दोनों संख्या ab में, कितना हो जाएगा 3ab। अब लास्ट में आपके ऑप्शन क्या था, ए प्लस बी, क्वेश्चन में लिख लोगे आप ए प्लस बी। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर ए प्लस बी का अगर इसका कोई संख्या या समीकरण बन रहा है तो उसमें ये आप समीकरण उसमें लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab क्वेश्चन में ए प्लस बी। ठीक है, आप बात कर लेते हैं छठा फॉर्मूला की, a माइनस बी का क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ए क्यू। अब देखो मैं आपको बता दूं, अगर विषम संख्या में अगर माइनस का गुणा हो रहा है तो माइनस का आएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है और सम संख्या उसका घात या पावर चढ़ रही है तो प्लस में रहता है सदैव। ठीक है, यहाँ माइनस है, विषम संख्या है तो किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, विषम संख्या अगर उसका वो हो रहा है क्यू हो रहा है तो उसका माइनस ही आएगा, तो इसका कितना हो जाएगा बी क्यू। अब बात कर लेते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, अब बात कर लेते हैं आगे क्या होगा। आगे देखो ये क्या है, 3 आ जाएंगे आगे माइनस 3, अब ए 3ab माइनस है तो माइनस लगा दो 3ab कोष्टक में लिख दो a माइनस b। इसका फॉर्मूला रेडी हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम। तो फॉर्मूला हमारा दूसरा रहने वाला है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं, देखो जैसे आप यहाँ कर रहे थे उसी प्रकार आप गुणा कीजिए। ठीक है, तो ए का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर
बी का कीजिए बी स्क्वायर, अब सी का कीजिए प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे प्लस, अब अंदर गुणा करते हैं दो संख्या, तो ए टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अगला फॉर्मूला है एट नंबर है, वो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर कर लीजिए। अब देखो माइनस ए है और इसका वर्ग हो रहा है, हमने अब क्या बताया था अगर सम संख्या का उसका वर्ग हो रहा है, सम संख्या इसकी पावर में है तो उसका क्या हो जाता है प्लस होता है, अगर माइनस विषम होता तो क्या रहता माइनस। तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस माइनस टू ए बी, तो माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा टू ए बी, कितना हो जाएगा माइनस के टू ए बी। अब बात कर लेते हैं माइनस बी सी, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो टू बी सी, अब किसकी बारी सी की, तो टू ए बी, तो ए प्लस ए और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस के टू ए सी। तो ये हमारा ये रेडी हो गया। तो अगला नंबर हमारा होने वाला है नाइन, फॉर्मूला क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसे कैसे करेंगे, देखो एक क्वेश्चन अलग कर दिए ए प्लस बी, एक क्वेश्चन अलग कर दिया और इसे कर सकते हैं आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ कर दो माइनस, कितना हो जाएगा हाँ ए बी, कितना हो जाएगा ए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका दस, क्या हो जाएगा माइनस कर दो ए क्यू माइनस के बी क्यू, तो इसे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस कर दो, कितना ए माइनस बी, इसे खोल दो ए स्क्वायर प्लस, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ जब जहाँ प्लस थी तो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगी प्लस, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ए। जो भी इम्पोर्टेंट इसमें फॉर्मूला बने इस वीडियो हमने कवर किया है, और आपको साथ साथ बता दूं कि चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, चिन्हों का गुणा करने पर कैसे करोगे। सबसे पहले देखो अगर माइनस का गुणा माइनस में हो रहा हो, माइनस का गुणा माइनस में हो रहा हो तो प्लस आएगा सदैव, याद रखना प्लस का गुणा प्लस में हो रहा हो तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा प्लस में हो रहा हो तो माइनस आएगा, और प्लस का गुणा माइनस में हो रहा है तो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आई होप आपको ये अच्छी भली बात आपने सीखा होगा, याद किया होगा और अपने नोटबुक में उतारा होगा। और सुनो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।